हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और आपके मेंस एग्जामिनेशन में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमने इंट्रोडक्शन हर एक लेक्चर में देखा है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, है ना। तो हम इस वीडियो में इन डिटेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं एक एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये सेपरेटली क्यों आपको दे रहा हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर ये मेरा मोटिव है इतना ही है माय फ्रेंड्स, कि अगर आप प्रिपरेशन करने बैठे तो आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे तरह से ध्यान से पढ़े। क्योंकि क्या होता है ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसको ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन कर लेते हैं और उनको इन डेप्थ में कुछ पता नहीं होता। बट यूपीएससी आपको रोट लर्निंग को टेस्ट नहीं करता, आपके इन डेप्थ स्टडी को टेस्ट करता है, है ना। तो इन डेप्थ आप पढ़ सके इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, इन डिटेल में आप पढ़ सके और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आपका स्कोर अच्छा हो, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को, लाइक सबॉर्डिनेट कोर्स हो गया हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ डीली हो गया, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और ऐसा आज हमारा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से आप अगर डायरेक्टली, आपको इतना बड़ा वीडियोस नहीं देखना पड़े, तो आपको एक छोटे छोटे टॉपिक्स को आप एक छोटे छोटे वीडियोस देख सकते हैं, है ना, 15 to 20 मिनट्स के, है ना माई फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलग अलग सिस्टम्स को क्या होता है और क्या होता है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो सब हमने डिस्कस किया था, क्या होता है आर्टिकल 370, आर्टिकल 306, तो आर्टिकल 370 कैसा वो सफर रहा, तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें माय फ्रेंड्स, जो हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया था। तो आज का इस पर्टिकुलर वीडियो या हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले एकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्यक्रम यूपीएससी सीएसई 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाला है यहाँ से। तो 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे माय फ्रेंड्स, आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, आप परफेक्टली स्टडी कर सकते हैं। तो ये फ्री, बिल्कुल फ्री है ये 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, तो ये लाइव में आपको देखने को मिलने वाले माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अकेडमी को प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2020 के साथ। और एक दूसरा बड़ा ऐलान आपके लिए कि अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अकेडमी आपके लिए लाया है, जो कि पेपर वन जीएस पर रहेगा। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का अगर आप पेपर वन जीएस का सिलेबस देखते हो, अगर उतना आपका स्टडी हो चुका है, तो वही स्टडी, वही सिलेबस, वही पोर्शन आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में रहेगा। तो इसकी वजह से आपका एक पहला फायदा यह होता है माय फ्रेंड्स, कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अच्छे तरह से डीप्थ में स्टडी हो जाता है। और अब अगर आप फ्रेशर हो और आप पहली बार यूपीएससी सीएसई देना चाहते हो, प्रीलिम्स देना चाहते हो, तो माय फ्रेंड्स, तो आपको एक रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको फॉर्मेट पता हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, है ना, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, लॉजिकली कैसे पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है लॉजिकली, है ना। तो वो इस मॉक टेस्ट के जरिए आपके सब पॉइंट्स को क्लियर हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो इस मॉक टेस्ट में, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और सेकेंड चीज़, अगर आप टॉप 25 रैंक्स लाते हो यहाँ पर, तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिलेगा, यू हैव चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो आपको एक कब एनरोल करनी, ये एनरोलमेंट लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट को, जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो बिल्कुल फ्री में है, इसे कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में है आपके लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनरोलमेंट करने के बाद, एनरोल करने के बाद आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगी 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को आपको क्या होना है, रेडी होना है मॉक टेस्ट सीरीज के लिए पेपर वन जीएस पर, है ना। और लेट्स क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स को, यूपीएससी सीएसई 2020 के प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, मीन्स लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिल जाएगा, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डॉक्टर क्लिनिक सेशंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आप में, कि रेगुलर डॉक्टर क्लिनिक सेशंस भी आपको मिल जाएगा, लाइव टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो लाइव टेस्ट सीरीज लाइव, वो भी लाइव आपका अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है एक ही सब्सक्रिप्शन पर।
और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप कहीं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स या उसे लिखने की या उसे संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और आंसर राइटिंग सेशन भी अनअकैडमी आपको दे रहा है एक ही सब्सक्रिप्शन पर माई फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेनिफिट्स ये हो जाता है, बेनिफिशियल ये चीज़ हो जाती है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स ही अनलिमिटेड बेनिफिट्स है माई फ्रेंड्स, है ना। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा माई फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं माई फ्रेंड्स। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स आपको मालूम है डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एनी एग्जामिनेशन, आपको सब पता है कि डेली करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो डेली करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस बन अकेडमी कर रहा है कर दे रहा है, और ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मिल जाएंगे नो डाउट अबाउट इट, और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको अनअकैडमी कर देगा, सेक्शनल क्विजेस हर एक सेक्शन पर आपको क्विजेस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी स्टडी कॉन्फिडेंटली हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन मीन्स माई फ्रेंड्स की यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जो भी चीज़ों की जरूरत आपको लगती है, जो भी चीज़ों की जरूरत आपको होती है, तो वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, और ये अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स। और जो कि ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, 7 सितंबर 2020, तो आप इन बैचेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जो कि ज़्यादा दिन नहीं हो चुके हैं माय फ्रेंड्स के। ये बैचेस आपको 3 महीने लैंग्वेज में मिलेंगे, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स से बिलिंगुअल वर्जन में आपको ये बैचेस मिलेंगे, हिंदी जीएस बैच कोर्स से हिंदी वर्जन में आपको ये बैचेस मिलेंगे, और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 ये इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, जो कि इंग्लिश वर्जन में आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स के। टॉप एजुकेटर्स, फुल सिलेबस कवरेज, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी। इतने सारे बेनिफिट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले माय फ्रेंड्स, जो कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बैचेस से, एक सब्सक्रिप्शन पे माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेस को, आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, बिलिंगुअल लैंग्वेज में आप सीखो, हिंदी वर्जन में आप सीखो, और इंग्लिश वर्जन में आप सीखो, किसी भी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं, है ना। और आपका डेली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का जो टॉपिक वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी 80-20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में डेली 7:30 PM 20 questions 20 minutes 40 marks के लिए आपके लिए लाया है, जो कि आपको टेस्ट एनालिसिस भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी आप डाउनलोड करें और रेडी हो जाइए रोज शाम 7:30 PM 20 questions 20 minutes 40 marks के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा नो डाउट अबाउट इट। और एक मेन चीज, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का माय फ्रेंड्स, किसी भी मंथ का, अगर एक मंथ का, दो मंथ का, तीन मंथ का, छः मंथ का, 12 months का या 24 months का, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप हमारा ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मींस माय फ्रेंड्स कि अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अकेडमी का, तो 64,000 आपको पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 rupees ही पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल थिंग है आपके लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अनअकैडमी की कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंड रिटन नोट सब कुछ मिल जाएगा, है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये क्या होता है माय फ्रेंड्स? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। तो हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सीखने के पहले आर्टिकल 102 सीख लेते हैं, पहले क्या कहता है आर्टिकल 102 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप आर्टिकल 102 देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको मिलेगा इट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेट करता है, है ना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं आर्टिकल 102 के तहत, कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग ए चूजन एज एंड फॉर बींग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या कहता है माय फ्रेंड्स के, अगर अब ये डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ही होता है, सिर्फ मेंबर बनने के लिए नहीं, बट आफ्टर द आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी आर्टिकल 102 आपको रिलेवेंट है, है ना। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी तरह से बन जाते हैं, है ना, आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब भी बन जाते हैं। और अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो ऐसे इसका मतलब नहीं कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आप दूर हो गए, है ना, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको टच नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 102 आर डिस्क्वालिफाइड आर रिलेवेंट आफ्टर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो। तो आपका आर्टिकल 102 आपको के डिस्क्वालिफाइड कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी, है ना। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं माय फ्रेंड्स, लाभ का
पद बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स, लाभ का पद बोलते हैं हिंदी में। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये फर्स्ट ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के, कि आपको ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, इस पॉइंट्स के थ्रू आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। अगर आप इस पॉइंट के थ्रू डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते आ सकता, समझ रहे हो। तो इसमें पार्ट ए क्या बोलता है माय फ्रेंड्स, कि इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। अब ये क्या बोल दिया, अब ये क्या वर्ड बोल दिया माय फ्रेंड्स, अगर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स हो, समझ रहे हो, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। अगर आप ऑफिस का आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर आप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, अंडर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो और अंडर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना, तो तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं तब भी बनने दूंगा जब आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पार्लियामेंट नहीं होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होगा, समझ रहे हो। तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गए तब भी मैं आपको डिस्क्वालीफाइड कर दूंगा, समझ रहे हो, तब भी मैं आपको डिस्क्वालीफाइड कर सकता हूं। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गए किसी भी तरह से, अगर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तब भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, चुनकर आ गए और हाउस में बैठ गए, तब भी मैं आपको आर्टिकल 102 के तहत आपको क्या कर सकता हूं, डिस्क्वालीफाइड कर सकता हूं आपके पद से, समझ रहे हो। तो फिर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, के आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी। तो आर्टिकल 102 रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर एंड आर्टिकल 102, तो यहाँ पर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, हमने देखा कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना, तो वहाँ पर आर्टिकल 102 रिलेट करता है। और स्टेट्स के लिए आर्टिकल 191 जो है माय फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 191 ये इट इज रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आपके अगर लेजिस्लेचर असेंबली हो या लेजिस्लेचर काउंसिल हो, आप किसी भी तरह में हो, तो ये आर्टिकल 191 में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इट इज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो और मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल्स ऑल्सो, है ना। तो आर्टिकल 191 इज रिलेटेड टू द स्टेट एंड आर्टिकल 102 रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के, फॉर एग्जांपल अब जो है ना, बट ये कहाँ डिफाइंड, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम बोलते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आपके पद से, आपका लाभ का पद होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट ये इन डिटेल कहाँ दिखा हुआ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो इन डिटेल ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स, कि आपने आप अपने पास एक रूल है, समझ रहे हो, अपने पास एक रूल होता है माई फ्रेंड्स के इंडिया में, दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये आपको पता है, ये तो बार बार रिपीट होता है। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये है पार्लियामेंट, समझो ये है पार्लियामेंट, और ये है पार्लियामेंट के में ये पावरफुल गवर्नमेंट, समझ रहे हो, अगर जनता ने इलेक्ट कर एक पावरफुल गवर्नमेंट को बिठा दिया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ये होता है, और ये समझो पार्लियामेंट पावरफुल गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट का क्या काम है, जो गवर्नमेंट बैठी है आपके हाउस में, जो पावरफुल गवर्नमेंट बनकर बैठी है आपके हाउस में, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना, इन अदर वर्ड्स उन्हें लिमिट, उन पर लिमिट लगा कर रखना, उन पर अंकुश लगा कर रखना, उन पर रोक लगा कर रखना माय फ्रेंड्स। तो इन पर लिमिट आप कैसे लगा सकते हो ना, किस तरह से हम इन पर लिमिट लगा सकते हैं, कि हम एक पार्लियामेंट को लेंगे, समझ रहे हो, हम एक पार्लियामेंट आप किस पर पावरफुल गवर्नमेंट पर लिमिट लगा कर रखना चाहता है, तो कैसे आप लिमिट लगा कर रखना सकते हैं, रख सकते हैं, तो आप समझो एक पार्लियामेंटेरियन को, समझ रहे हो, इस प्रोसेस को आप ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेटली पढ़ो इस प्रोसेस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके मेरे वर्ड्स पर आप ध्यान दो, कि एक समझो अगर पार्लियामेंट को पावरफुल गवर्नमेंट को क्या करना है, अंकुश लगाना है, लिमिट लगा कर रखना है ना, उनके अंडर करना है, तो क्या करेगा, कि आप एक पार्लियामेंट्री क्या करेगा, एक पार्लियामेंटेरियन कमेटी फॉर्म करेगा, जो कि क्या होगा, अंडर द गवर्नमेंट होगा, है ना, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इस पार्लियामेंटेरियन कमेटी को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और गवर्नमेंट ही उसे सैलरी देंगी, पर्स देंगी, जो भी चीजें उसको लगती है उसे गवर्नमेंट देंगी, कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ना माय फ्रेंड्स। तो सब चीजें सैलरीज पर्स वो गवर्नमेंट उनका अवेलेबल करेगा, और ये सब गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, ये गवर्नमेंट की बातें मानेंगे, समझ रहे हो, ये गवर्नमेंट की बातें मानेंगे। तो ये तो क्या हो गया ना माय फ्रेंड्स, अगर आप तो गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहते थे, आपको गवर्नमेंट को लिमिट लगाना चाहते थे, बट गवर्नमेंट ने आप पर लिमिट लगा दिया, समझ लो, पर गवर्नमेंट ने आप पर लिमिट लगा दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन डिटेल, समझ रहे हो। इस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया गया है क्या क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्लियरली डिफाइन नहीं दिया हुआ है, तो आपका आई होप इस एग्जांपल से समझ गया होगा क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है माय फ्रेंड्स के, आपको क्या करना है ना माय फ्रेंड्स के, तो हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पार्लियामेंट ही हैंडल करेंगे, समझ रहे,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कौन हैंडल करेगा? पार्लियामेंट ही हैंडल करेंगे, ना कि वो गवर्नमेंट के अंडर होंगे। हम गवर्नमेंट को लिमिट करना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट को लिमिट नहीं करना चाहते गवर्नमेंट के थ्रू। हम पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट को, जो पावरफुल गवर्नमेंट आपके हाउस में बैठी है, उसे हम लिमिट करना चाहते हैं। और जो पार्लियामेंट अगर इसे कंट्रोल कर सकता है, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगा, एक लिस्ट पब्लिश करेगा, जो उस लिस्ट में प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के जो भी पॉइंट्स होंगे, समय 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी पॉइंट्स होंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इन चीज़ों के तहत आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो, यू आर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यू आर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो एंड स्टेट काउंसिल्स ऑल्सो फ्रॉम द अंडर द आर्टिकल 102 एंड अंडर द आर्टिकल 191। तो ये आप डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। तो बाद में ना यहाँ पर इन पॉइंट्स में जितने भी लिस्ट यहाँ पर अनाउंस की थी पार्लियामेंट ने, तो इस पॉइंट्स के तहत आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू। तो बाद में 2006 में पार्लियामेंट ने क्या किया, सॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बहुत सी चीज़ें हटा दी। कैसे हटा दी? क्योंकि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर्स देता है पार्लियामेंट को, यानी अनलिमिटेड पावर्स देता है गवर्नमेंट को। तो क्या होता है ना माय फ्रेंड, कि ये बहुत सी चीज़ें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में से क्या थी कर दी गवर्नमेंट ने 2006 में, हटा दी, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कोई मजाक नहीं है भाई, ये कोई मजाक नहीं है। इट इज़ अ वेरी बेसिस फाउंडेशन ऑफ आवर सिस्टम, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आवर फेडरल सिस्टम, जो कि फेडरल सिस्टम है ना माई फ्रेंड्स, इट इज़ ए बेसिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका, है ना माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इससे ये पता चलता है कि ये हम जो है ना, जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ये पता चलता है, ये एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट होती है कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कितनी ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि नहीं, गवर्नमेंट ने आपको डेमोक्रेसी के जो वादे दिए हैं, जो जनता को वादे दिए हैं, वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काम करता है, ये बहुत ऑनेस्टली दिखती है यहाँ पर गवर्नमेंट की, है ना, ऑनेस्टी दिखती है यहाँ पर गवर्नमेंट की, कितना ऑनेस्टी गवर्नमेंट काम करता है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ये कंसेप्ट लिया था हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, तो हमने ये कंसेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से तो लिया था, बट वहाँ पर ब्रिटिश में जो होता है ना माय फ्रेंड्स, वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वहाँ पर कोई चीज़ नहीं कर सकता और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बट यहाँ पर क्या कर दिया हमने आर्टिकल 206 में, है ना, आर्टिकल टू सॉरी इन ईयर 2006 में हमने जो चेंजेस किए, तो बहुत सारे हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स को हटा दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, और बहुत सारे पॉइंट्स को जब हटा दिया हमने माय फ्रेंड्स, तो हम क्या हो गया, वहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हमने पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये विच इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग सिनारियो जो कि हमने 2006 में जो किया था, समझ रहे हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वहाँ से डाइल्यूट हो गया, और अब बाद में जो होता है माय फ्रेंड्स के, इसे क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माय फ्रेंड्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक चीज़ मैंने तो आपको बोल दी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड्स कि इससे हमें गवर्नमेंट के काम काजों पर ध्यान एक कॉन्सेंट्रेट बनाए रखता है पार्लियामेंट, उसको अंडर पार्लियामेंट करता है, अंडर उसमें क्या होता है प्रेशर बनाकर रख सकता है गवर्नमेंट का, जो कि पावरफुल गवर्नमेंट आपके हाउस में बैठी है, तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना ऑनेस्टली वो काम कर रही है, कितना ऑनेस्टली वो काम नहीं कर रही है, तो वो सब हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू मालूम पड़ता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक एडवांटेजेस होता है सॉरी। तो अब यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है माय फ्रेंड्स कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। आप आर्टिकल 102 में जाओ, आप आर्टिकल 191 में जाओ, आपको कहीं भी ये लिखा नहीं होगा कि इन डिटेल में लिखा नहीं होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्यों भाई, समझ रहे हो, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है पहली बात, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रेजेंट में अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 में, तो 2014 से प्रेजेंट में अभी मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा ही सीरियसली इसे ले लिया है, है ना, कि इट मस्ट बी फॉलो, जो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये मस्ट फॉलो किए जाए, है ना, इसे स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो किया जाए माई फ्रेंड्स के। ये पहली चीज़, तो मुझे क्या चाहिए इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, कि क्लियर डिफिनेशन चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो हमें क्लियरली डिफिनेशन चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, और सेकेंड जो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, कोई भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, कोई भी डिसऑबे नहीं करना चाहिए इस रूल का, इस लॉ का, तो स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए कि ये क्लियरली डिफिनेशन चाहिए और स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो होना चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियन को एथिक्स की तरफ वापस चलना चाहिए माय फ्रेंड्स, जो कि पार्लियामेंटेरियन है, जो कि गवर्नमेंट पर अंकुश लगा कर रख सकती है, लिमिट लगा कर रख सकती है, तो पार्लियामेंटेरियन को एथिक्स की तरफ चलना चाहिए, दैट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी फॉलो बाय द गवर्नमेंट अंडर द पार्लियामेंट्री, समझ रहे हो। तो पार्लियामेंटेरियन को फिर से एथिक्स की तरफ चलना चाहिए, तो कैसे उनको अपना अंकुश लगाकर रख सकते हैं,
गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि पावरफुल गवर्नमेंट आपके हाउस में बैठी है, तो उनको कैसे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं, कैसे इसको मामले को सीरियसली ले सकते हैं। तो पार्लियामेंट को इथिक्स की तरफ चलना चाहिए। अब माय फ्रेंड्स कि क्या होता है ना, तो लास्ट में पर्पोज क्या है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, क्या पर्पोज है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, मीन्स होता क्या है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। माय फ्रेंड्स अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के स्ट्रिक्टली फॉलो हो गया इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो हमें काम दिख सकता है कि ऑनेस्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है सरकार, जो जनता से इन्हें इलेक्ट किया है वो डेमोक्रेसी को क्या कर रही है माय फ्रेंड्स, क्यों डेमोक्रेसी को पागल तो नहीं बना रही है, वो जनता को पागल तो नहीं बना रही है। तो ये हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से समझ आता है ना। तो एक ही नेता दो दो तीन तीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैंडल कर रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो इसीलिए पार्लियामेंटेरियन को क्या होना चाहिए, एथिक्स शुड फॉलो द, क्या होता है ना, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी फॉलो बाय द गवर्नमेंट अंडर द पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री को यहाँ पर सीरियस लेना चाहिए, सीरियसनेस लेना चाहिए। तो एट लास्ट ये पर्पोज क्या है माई फ्रेंड्स इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, तो इन सब का पर्पोज यही है कि मुझे अनबायस्ड क्या चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, अनबायस पार्लियामेंट चाहिए, वो पार्लियामेंट चाहिए मुझे जो कि अंडर दी गवर्नमेंट ना हो, मुझे वो पार्लियामेंट चाहिए जिसके अंडर गवर्नमेंट हो, समझ रहे हो, जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे, जो गवर्नमेंट को लिमिट लगा कर रखे, जो गवर्नमेंट को अंकुश लगा कर रखे और जो गवर्नमेंट को रोक लगा कर रखे, वो मुझे पार्लियामेंट चाहिए, है ना। उसे ही कहते हैं फेडरल सिस्टम, है ना माई फ्रेंड, उसे ही कहते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम, और उसे ही कहते हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो कि थंब रूल है, हमने बहुत बार इसे प्रूफ किया है। तो मुझे वो पार्लियामेंट चाहिए, अनबायस पार्लियामेंट चाहिए, जो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, अपोजिशन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, और जो भी पावरफुल गवर्नमेंट को उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, और वो जनता के काम पूरे सुने गवर्नमेंट, उससे उस पर अंकुश लगाकर रखना गवर्नमेंट को, तो वो अनबायस पार्लियामेंट काम कर सकता है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अनबायस पार्लियामेंट चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो कि अब जो होता है ना माय फ्रेंड्स को, वो पूरी तरह से, अब ये अनबायस पार्लियामेंट तो हो गया, वो पूरी तरह से वो पार्लियामेंट उन्हें स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो करने लगा है, जो भी गवर्नमेंट आपके हाउस में है, तो स्ट्रिक्ट तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, स्ट्रिक्ट अधेरेंस से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉलो करें, है ना। तो आपको पता है कि लास्ट में तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। तो ये सब कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है माई फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो होता है माई फ्रेंड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ये करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में बहुत से आपको क्या आते हैं माई फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाते हैं। आप यहाँ तो मैंने सिखा दिया क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बट आपको यू कैन सर्च ऑन गूगल के प्रेजेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की क्या हालत है माई फ्रेंड्स, है ना। तो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्ट अधेरेंस से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू, है ना, इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ठीक करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा वहाँ से। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं माय फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़रूर सब्सक्राइब करें अकेडमी की कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें जिसके वजह से आपका 10% इमीजिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और एट द लास्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंडराइटिंग नोट सब कुछ मिल जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी UPSC प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।